दीदी प्रधानमंत्री का सपना देखने से सपना पूरा हो जाता है, सपना देखने से सपना पूरा, उसको बोली तीन बार जाके, वो कौन सा जात है खुद ही नहीं जानती है, ममता जी कौन सा जात है खुद ही नहीं जानती है, वो तो ब्राह्मण बता रही है अपने आप, बता रही है, कभी कहती है मुसलमान है, कभी कहती है, वो तो जितनी फिल्म आर्टिस्ट है सबको तो बैठा रही है, खड़ा मतलब है कि उनको खड़ा कर रही है। वो गए इस बार, उनकी खत्म कहानी हो गई है, क्योंकि एकदम वो बेकार हो गए हैं, अब वो नहीं चलेंगे बनारस में, क्योंकि अब सिर्फ मोदी जी चलेंगे, मोदी जी की लहर दौड़ रही है। गठबंधन होने से क्या होगा, बोलिए, गठबंधन ही सब होता है क्या, लेकिन मोदी अकेले है, मोदी जी अकेले, मोदी जी इज गॉड फादर, मोदी इज गॉड फादर, बोल तो रहे मोदी जी इज गॉड फादर, मोदी जी अकेले ही मतलब सब कुछ कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार देश की आधी आबादी महिलाएं अब की बार किसको प्रधानमंत्री चुनेंगी। प्रयागराज के बाद मैं आप पहुंचा हूं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में, और कुछ बहनें मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जो 400 का सपना देख रहे हैं, क्या बहनें उस सपने को साकार करने में सहयोग करेंगी, या फिर अब की बार बहनें मोदी नहीं किसी और को प्रधानमंत्री चुनेंगी। क्या नाम है आपका? सुनीता यादव है मेरा नाम। सुनीता यादव जी? हाँ, सुनीता यादव। सुनीता यादव जी? सुनीता यादव मेरा नाम है। अच्छा, यादव जी, ये बताइए क्या मन विचार है अब की बार बहनें किधर जा रही हैं? इस बार भी बहनें मोदी जी के साथ हैं, और हर बार मोदी जी के साथ ही हैं। बहनें मोदी जी के साथ हैं जी, वोट में, सब चीज में, चुनाव में, सब चीज में है हम लोग। मोदी जी ने ऐसा क्या कार्य कर दिया कि काशी की बहनें बोल रही हैं कि मोदी के साथ? नहीं नहीं, हर बार चुनाव होता है, हर बार नया नया जी चाहे, जो चीज़ हम लोग को मोदी जी ने दिया है वो हम लोग और किसी से सपोर्ट नहीं पाए हैं, क्योंकि हम लोग को हर चीज़ से मोदी जी से हम लोग को सपोर्ट मिला है, इसलिए हम लोग का सपोर्ट मोदी जी के साथ है। इबकी बार 400 पार जी। हाँ, रहने वाली है? हम बनारस की रहने वाली हैं। बनारस के रहने वाले तो नहीं? बनारस की रहने वाली हैं। अच्छा जी, क्या लग रहा है काशी वालों के लिए, क्या मोदी सरकार ने किया, क्योंकि काशी बनारस से तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जीतते हैं, यहाँ से सांसद बनते हैं। नहीं, सबसे पहली बात तो मोदी जी ने जो बनाए हैं, और वो तो दिख रहा है, और उसमें दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मोदी जी का तो आज इतना उनका आभार हम लोग मनाए वो भी कम है। मोदी जी आज गंगा जी स्वच्छ कर दिए हैं, पानी से लेके, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, घर से लेके, आपका गैस चूल्हा से लेके, राशन से लेके, पढ़ाई लिखाई से क्या नहीं किए हैं मोदी जी। इनके लिए हम लोग को बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद दिख रहा है कि सबको। यादव जी तो कह रहे हैं अब की बार मोदी हराओ, मोदी हटाओ, 80 हराओ, अब की बार भाजपा सरकार को हटाओ, क्योंकि अखिलेश जी बोलेंगे वो। हाँ, आ रहे अखिलेश जी तो बोलेंगे ही, अखिलेश जी का काम है क्योंकि उनको नीचा दिखाने, क्योंकि आज तक जो अखिलेश जी कर नहीं पाए वो मोदी जी कर चुके हैं, इसीलिए धन्यवाद। मैं भी सीमा यादव हूँ, आप इनसे पूछिए। जी जी, आपका क्या नाम है? सीमा यादव। सीमा यादव जी, इधर आइए, क्या कहेंगी, कैसे अब की बार देख रही हैं? मोदी जी अब की बार 400 पार जाएंगे, क्योंकि हम मोदी जी ने जो हम महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, मर्दों के और पुरुषों के बराबर का कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाया है। मोदी जी आज, मोदी जी ने जो विकास भारत का किया है, अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा मतलब की रिश्ते है वो भी बहुत अच्छे कर दिए हैं, और हमारा जो विदेशों में भी हमारे भारत का झंडा लहराया जा रहा है, इसलिए यादव है तो अखिलेश यादव जी की साइकिल समझ नहीं आ रही है। नहीं, वो गए इस बार, उनकी खत्म कहानी हो गई है, क्योंकि एकदम वो बेकार हो गए हैं, अब वो नहीं चलेंगे बनारस में, क्योंकि अब सिर्फ मोदी जी चलेंगे, मोदी जी की लहर दौड़ रही है, और जब से मोदी जी हमारे सांसद बने, हमारे भारत की, हमारे बनारस की रूपरेखा ही बदल गई है, और इतना विकसित कर गया है कि भारत की हर जनता, जनता हर घर मोदी मोदी कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे मोदी जी को जानते हैं, किसी से भी पूछे मोदी जी को जानते हैं, सब कहेंगे हाँ, हम किसको वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। हम लोग जनसंपर्क, हम लोग फील्ड में है, जनता के बीच में है, जनता के बीच में जानते हैं कि वो मोदी जी को। साइकिल और हाथ क्यों नहीं पसंद आ रहा यादव जी? क्योंकि वो कार्य नहीं करती है, सिर्फ योजना, सिर्फ क्या करते हैं कि काम कर, कुछ नहीं करती है, सिर्फ खाली आधे आधे लटका के रखती है। क्या नाम है आपका? আমার নাম রীনা পাত্র হচ্ছে, আর আমি এখানেই বেনারসেই আছি, জন্মভূমি আমার এখানেই হচ্ছে, আর সবসময় আমরা এখানেই আছি। কহাঁ কি রহনে ওয়ালি হ্যায় আপ? আমি প্রপার আমার বেনারসেই, আমার আজমগড়ে মেকা হচ্ছে, আর আমি বেনারসে সসুরাল হচ্ছে। আচ্ছা, তো আপ বঙ্গাল কি বল রহি হ্যায়? বল রহে তো ক্যা হুয়া, ইসসে ক্যা মতলব হ্যায়, বেঙ্গলি হ্যায় ভাই। बंगाली हैं एकदम। तो किसको प्रधानमंत्री बनाने, दीदी को? नहीं, क्यों दीदी को, हम यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को मोदी बनाएंगे, दीदी को क्यों, दीदी क्या की है? अरे दीदी तो बोल रही है कि बार मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। दीदी तो बहुत कुछ बोलेंगी, दीदी का सुनेंगे क्या?
क्यों दीदी, मैं नहीं लगता कि दीदी को प्रधानमंत्री बना दे। आप भी महिला हैं, ममता दीदी भी महिला हैं, तो महिला महिला मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, मैं भी महिला हूँ और वो भी महिला हैं, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं पता, उनके बारे में हमें कोई डिस्कस ही नहीं करना है। हम मोदी जी को जानते हैं और वो मेरे परिवार हैं और हम लोग सब कोई उनके परिवार हैं। बस हम मोदी जी के ही बारे में बोलेंगे, हम उनके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते। क्या नजर आ गया मोदी सरकार में कि आप चाहती हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बना? बहुत कुछ नजर आया। पहले तो 33% बिल आरक्षण पास करवाएं महिलाओं के लिए, और महिलाओं को जो सम्मान नहीं मिलता था अब हम लोग को वो सम्मान मिल रहा है। रात में हम महिलाएं सुरक्षित नहीं थे बाहर निकलने के लिए, आज के डेट पे हम इतने सुरक्षित हैं, आधी रात को भी हम इतना वो कर सकते हैं कि अकेले हम लोग निकलते हैं, अकेले रास्ते में निकल रहे, कोई काम पड़ जा रहा है तो अकेले रास्ते में निकल रहे, अब कोई डर नहीं है। यानी अब महिलाओं को टेंशन नहीं है? एकदम बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। पहले क्या होता था इस पूर्वांचल में, इस उत्तर प्रदेश में? पहले के समय पे क्या था ना, यहाँ पे 8 या 9 बजे के बाद जैसे डर डर होता था महिलाओं के अंदर कि बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, कितने गलत मतलब। अभी तो इस समय के समय पे, पहले होली के समय पे महिलाएं नहीं निकलती थी, अब तो इतना चमत्कार हो गया है कि होली के समय भी महिलाएं निकल के एक परिवार से एक परिवार में जाके होली खेल रही हैं। इससे बड़ा और मैसेज क्या चाहिए आपको? लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे फेल हो गए मोदी। अरे वो तो बोलेंगे ही, वो तो उनकी सोच है, उनको हमको क्या कहना है बबुआ, उनके बारे में हम क्या कहें, क्यों कहें उनके बारे में, वो उनकी सोच है। राहुल गांधी का हाथ नजर नहीं आ रहा है क्या? वो तो पप्पू है, पप्पू है, पप्पू के बारे में क्या बोले हम? वो पप्पू है। राहुल गांधी प्रियंका के भाई, प्रियंका दीदी आई थी ना यूपी में? जी बिल्कुल, क्यों नहीं आई थी तो क्या हुआ, लेकिन हम उनके बारे में क्या बोले। प्रियंका दी तो आई थी और यहाँ से आके क्या हुआ, एकदम भाग के गई यहाँ से, कोई मतलब नहीं है। या आप अगर ममता दी के बारे में भी बोलेंगे, आई थी वो सही ढंग से दर्शन तक नहीं कर पाई और उनके अंदर इतनी डर थी, क्या कुछ गलत की होंगी तभी ना उनके अंदर डर थी, क्यों चली गई? हाँ वो तो उनकी गलती है ना, उनको खुद से लग रहा है कि वो गलत हैं। कब की बार क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार हैट्रिक? एकदम बिल्कुल 400 पार, और हैट्रिक भी हम लोग के तो वो परिवार ही हैं, पिता समान हैं, और क्या बताएं उनके बारे, मोदी पिता समान, बिल्कुल हम लोग उनकी श्रद्धा करते हैं, हिंदुत्व वो कर रहे हैं और हमारे सारे लोग को भाईचारा वो नहीं सिखाते हैं, हम लोग एक सब मिल के रहते हैं, मिल के रहती है। क्या नाम है आपका दीदी? मेरा नाम रेबा अधिकारी है। अच्छा आप भी बंगाल से हैं? हाँ बंगाल से है। अच्छा। हम नहीं, हम बनारस के हैं। हाँ। हम बनारस से थकी। हाँ। हमारे जन्म बनारस से हुए थे। अच्छा। तो ये बताइए, आप लोग तो बंगाली भी बहुत अच्छा बोलती हैं, तो ममता दीदी क्या समझ नहीं आ रही है, ममता दीदी प्रधानमंत्री का सपना देख रही हैं? ममता दीदी प्रधानमंत्री का सपना देखने से सपना पूरा हो जाता है? सपना देखने से सपना पूरा, उसको बोले 3 बार जाके, वो कौन सा जात है खुद ही नहीं जानती है। ममता जी कौन सा जात है खुद ही नहीं जानती है, वो तो ब्राह्मण बता रही है अपने आप, बता रही है, कभी कहती है मुसलमान है, कभी कहती है, वो तो जितनी फिल्म आर्टिस्ट है सबको तो बैठा रही है खड़ा, मतलब है कि उनको खड़ा कर रही है कि उनका वोट मिले। तो आपको यदि खड़ा करने से क्या ममता जी जीत जाएंगी? हाँ। वो मोदी जी से टक्कर ले पाएंगी ममता दीदी? कह रही है मोदी जी की अब की बार कुर्सी गई। हाँ तब ममता जी भी ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ममता जी भी ऊपर गई, सही बात है ऊपर गई। लेकिन ये गठबंधन है, ममता दीदी भी है गठबंधन में। गठबंधन होने से क्या होगा, गठबंधन होने से क्या होगा? हाँ। बोलिए, गठबंधन ही सब होता है क्या? लेकिन मोदी अकेले है, मोदी जी अकेले, मोदी जी इज गॉड फादर, मोदी इज गॉड फादर, बोल तो रहे मोदी जी इज गॉड फादर, मोदी जी अकेले ही मतलब सब कुछ कर लेंगे, पूरा देश को संभाल रहे। आप बोलिए मोदी जी जब से आए हैं तब से कितना शांति कितना है महिलाओं को लिए, कितना शांति है, महिला जो है कि एकदम पूरा मतलब वो करके निकल जाते हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, सुरक्षित है, आज महिला सुरक्षित है। पहले अखिलेश यादव के समय महिला सुरक्षित नहीं था। अखिलेश यादव पप्पू जी तो कह रहे हैं बार हटाओ भाजपा को, वो बोलने से क्या, बोलने से ही हट जाएगा क्या, बोलने से ही सब हट जाएगा, बोलने से कुछ नहीं होता है। साइकिल पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? साइकिल पंचर हो गया तो विश्वास कैसे होगा? साइकिल पंचर हो गया तो विश्वास कैसे होगा बताइए? साइकिल तो बोल रहे तेज दौड़ रही है, आप बोल रहे हैं ना तेज दौड़ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अखिलेश भैया बोल रहे हैं, वो तो हम भी बोल रहे कि हम तेज दौड़ रहे हैं, तो जनता जो बोलेगा वही ना होगा बताइए। देखिए हाथ ने साइकिल को पकड़ लिया है और साइकिल में पैडल बहुत तेज लग रहा है। क्या हाथ टूट भी गया है? हाथ टूट भी गया, हाथ साइकिल पकड़ने से
हाथ तो मुड़ गया है। राहुल गांधी पप्पू, अरे नेता है वो। वो नेता है तो क्या है, पप्पू क्या है, नेता है वो, बोल सकता है, एक तो भाषण कायदे से दे सकता है। अरे वो पप्पू की बार सत्ता बदल रही है, मोदी जा रहे हैं, वो बोलने से मोदी चल जाएगा, मोदी जी चल जाएगा, बताइए। सब सपोर्टर मोदी जी के, महिला सब मोदी जी के सपोर्टर है, समझ गए। महिला जहाँ पर महिला आता है, देखिए महिला के ऊपर एक परिवार चलता है। आज महिला खाना बनाते हैं तो पुरुष लोग खाते हैं, खाते हैं कि नहीं है, ये इसीलिए महिला जब मोदी जी को सपोर्ट करते हैं तो जितना मोदी जी कहे, अब की बार 400 पार। क्या कहेंगे, कह रही है अब की बार 400 पार। हाँ जी, मोदी जब से आया तब से महिला लोग को इतना सपोर्ट मिल गया है कि राशन के लिए, लॉकडाउन के समय दवाई सब इंजेक्शन सभी चीज की सुविधा मिली है, और महिला लोग को बाहर निकलने से बहुत शांति पूर्वक दिखाई दे रही है, और रास्ता एकदम स्वच्छ रह रहा है, और इससे बड़ी क्या बात है। इसीलिए हम लोग मोदी की तरफ से वोट है, चार मोदी सरकार जी चार ही है। हाँ जी, 400 से ऊपर पार। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बनारस की रहने वाली हूँ। बनारस की जी। काशी के तो खुद मोदी जी सांसद भी हैं। सांसद है तो क्या हुआ, लेकिन मोदी बनारस के हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं इतना, इसलिए हम लोग मोदी को ही सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे जी जी। क्या कहेंगी? मोदी जी का सपोर्ट हम लोग तो देंगे ही जरूर से, क्योंकि यहाँ पे जितना काम किया गया है हर चीज में, हर में सपोर्ट किया गया है। वो हमारे मुखिया हैं, परिवार से है, तो उनका तो हम लोग करेंगे, हम लोग छोटे हैं, उनका पूरा जैसे है देना ही पड़ेगा वोट। चाहती हैं मोदी, क्या कहेंगे आप लोग, क्या चाहती हैं? हम लोग तो बहुत अच्छा चाहते हैं, जो मोदी जी बहुत कर रहे हैं वो हम लोग के लिए बहुत धन्यवाद उनके लिए, जो इतना काम आगे भी बढ़ा रहे हैं, फोर लेन बनवाए हैं हम लोगों के लिए, इतनी दूर दूर मतलब जाने के लिए बहुत दिक्कत होता था, इतने बड़े बड़े रोड बनवाए हैं। खुश हैं, चाहती हैं मोदी जी आए कब की बार? कल खुश है, और ठगबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी एक लाख शेर है, और हम भी बंगाली है, सुब्रता भट्टाचार्य मेरा नाम है, और मैं एक लॉयर हूँ, और मैं चाहती हूँ सारे लॉयर मिल के इनको आगे बढ़ाए और 400 पार कर दे। लेकिन बंगाली महिलाओं को दीदी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? दीदी नहीं दिखाई देंगे, दीदी खुद बंगाली महिलाओं को वो सुंदरबन के ये पूरा इलाका पूरा दान कर दिए बांग्लादेश को। खाली में जो महिला जीती है वो हराएगी दीदी को की बार? हराएगी, बिल्कुल हराएगी ये महिलाएं पूरा। संदेश खाली से जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली उससे महिलाएं दीदी से नाराज हैं। दीदी से नाराज है, और पूरा बीजेपी उधर जीतेगी, जीतेगी बीजेपी उधर नहीं, इस बार हम लोग का है मोदी सरकार, बस हम इतना ही कहें, बस बस बीजेपी बंगाल में बंगाल में भी आ रही है। 18 सीट थी, इस बार 30 पार करेगी। 30 पार हाँ। चलिए देखते हैं बहने हैं, और खासकर जो बंगाल की महिलाएं हैं उनकी इस चुनाव को लेकर क्या राय है, और लगातार मैं आपको पूर्वांचल की एक एक राय दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी इस खबर पे इस वीडियो पर राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, काशी से।